हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपमास किचन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मिनटों में बनने वाला सूजी आलू का बहुत ही आसान सा नाश्ता, जिसको खाने में इतना मज़ेदार है कि आप एक बार बनाएंगे ना तो बच्चे रोज़ टिफ़िन में यही ले जाने की ज़िद करेंगे। तो आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हो, सुबह के नाश्ते में बना सकते हो, या फिर इवनिंग टाइम के स्नैक्स में भी इसको बना सकते हो। आपके घर में अचानक से कोई गेस्ट आ जाए उस टाइम भी आप इनको इमीडिएटली बना सकते हो। 5 से 10 मिनट में बनके ये तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाया है। इसके लिए हमने ले लिए हैं 2 कच्चे आलू। जी हाँ, कच्चे आलू लेने हैं। उनको इस तरह से कद्दूकस में कद्दूकस कर लेना है और बहुत अच्छे से 3 से 4 बार वॉश कर लेना है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 कप सूजी और 1 कप बेसन और अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही मैंने 1/2 कप चावल का आटा लिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, सूजी और बेसन से भी इसको आप बना सकते हो। अब इसमें हम ऐड करेंगे जितना हमने सूजी बेसन लिया है ना, उसका डबल हमें पानी ऐड करना है। तो एक बारी में सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। 1 कप सूजी 1 कप बेसन के हिसाब से हमें इसमें 4 कप पानी डालना होगा। तो मैंने यहाँ पे 4.5 कप इसमें पानी डाला है। साथ ही मैंने ले लिया है 1/2 छोटी चम्मच इसमें चाट मसाला, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, 2 पिंच मैंने हींग ऐड किया है। साथ ही मैंने 1 छोटी चम्मच इसमें तिल ऐड किए हैं सफ़ेद वाले, और 1 छोटी चम्मच अजवाइन ऐड किया है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। बस यही बेसिक से मसाले डालेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो पहले एक बारी में हमने देखे सारा पानी नहीं डाला था। साथ ही मैंने यहाँ थोड़ा सा अदरक क्रश कद्दूकस करके ले लिया है, और आप चाहो तो इसमें ग्रीन चिली वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने ग्रीन चिली नहीं डाला है। अब हम पैन की तरफ चलते हैं। कढ़ाई हमने गैस पे रख दी है, उसमें हमने डाला है 2 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल डाला, और साथ में 1 छोटी चम्मच राई दाना डाला है। राई दाने का तड़का लगाएंगे, और ये जो हमने बैटर बना के रखा था ना सूजी और आलू का, वो सारा हम इसमें डाल देंगे। और इसको ना लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें 1-2 की फोम तक आने तक इसको कुक करना है। मीडियम फ्लेम पर ही करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना है, वरना ये जल सकता है। लगातार चलाते रहेंगे, और ये देखिए 2 से 3 मिनट में ही ये एक जगह इकट्ठा होने लगता है और एक डो की तरह बन जाता है। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये हमारा बाइंड हो रहा है। इतना ही हमें इसे कुक करना था। अब हमने एक ट्रे ले ली है, उसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आप थाली या प्लेट कुछ भी ले सकते हो। तो ये सारा बैटर मैंने उस ट्रे में ट्रांसफ़र कर दिया है, और एक स्पैचुला की हेल्प से ना उसको इवनली एक लेयर बना लेंगे, मोटी सी, 1/2 इंच से थोड़ी ज़्यादा सी हमने मोटी सी लेयर बना ली थी। उसको ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया था। आप चाहो तो फ्रिज में भी रख सकते हो 1/2 घंटा। तो 1/2 घंटा मैंने फ्रिज में रख दिया था, ठंडी होके सेट हो गई है। और अब मैंने इसको कट कर लिया है स्क्वायर पीसेस में। ये देखिए ठंडा होने के बाद ही हमें इसे कट करना है, पहले नहीं करना है। तो ये देखिए मैंने सारा नाश्ते को स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। चलिए अब हम इसमें हल्का सा इसको सेलो फ्राई कर लेते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। आप चाहो तो इसको ऐसे भी खा सकते हो बिना सेलो फ्राई करें, लेकिन सेलो फ्राई करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। डीप फ्राई भी आप इसको कर सकते हो। तो देखिए अलटते पलटते हुए हमने इसे हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लिया है अपने नाश्ते को। ये देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है, क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन सा। तो इतना ही हमें इसे सेकना था। अब हम 1 बाय 1 अपना सारा नाश्ता पैन में से निकाल लेते हैं, और सेकंड बैच भी हम इसी तरह से हल्का सेलो फ्राई कर लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना जल्दी ये नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। 5 से 10 मिनट लगते हैं और फटाफट से ये आलू सूजी का टेस्टी सा नाश्ता बनके तैयार हो जाता है, वो भी कच्चे आलू का, उबले आलू की भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स देखा आपने बहुत ही इजी रेसिपी है, आप बच्चों को लंच बॉक्स में टिफ़िन में दे सकते हो, सुबह के नाश्ते में बना सकते हो। कैसी लगी आप सबको मेरी ये वीडियो? आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।